Hi, all of you. How are you? Very warm welcome to you all to this session. So let's continue with solid state. Now, here we are going to start with numericals on density, relation between RNA and unit cell. How to calculate number of unit cells. So इसका theory हम लोगों ने previous video lectures में already किया हुआ है and अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस फॉर्मूलास व्हिच वी विल बी यूजिंग. सो फर्स्ट है डेंसिटी. डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला आता है? D इज इक्वल टू z इनटू m अपॉन a क्यूब इनटू na. नाउ व्हाट इज d हियर? इट इज डेंसिटी. z इज व्हाट? Number of atoms. Capital M is molar mass. A cube. A is edge length. A cube is volume of cube. Na is Avogadro number. ठीक है? Now for simple cube, what is the relation between R and A? R is equal to A by 2. For body centered cube, R is equal to a root 3 by 4. For FCC, R is equal to a root 2 by 4. So these are the various formulas we will be using to calculate some numericals. So let's start. Here is your first question. A cubic unit cell of iron crystallizes as edge length 288 picometer. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? Given data लिखना है. So what is given edge length? Edge length यानी क्या होता है? A. A is equal to 288 picometer. So 288 picometer को मैं centimeter में convert करती हूँ into 10^-10 centimeter. Then next, what is given? Density दिया हुआ है. कितना दिया है? Density 7.86 gram per centimeter cube. Since this is given in gram per centimeter cube, अपने को picometer को centimeter में convert करना जरूरी है. Now find the types of cubic unit cells. Means मुझे calculate करना है whether it is simple cube or it is BCC or it is FCC. इसमें से कौन सा है ये मुझे कैलकुलेट करना है. तो मुझे कैसे पता चलेगा? डिपेंडिंग ऑन जेड ना. इफ जेड इज वन देन इट इज सिंपल क्यूब. इफ इट इज टू इट इज बॉडी सेंटर्ड. इफ इट इज फोर देन इट इज फेस सेंटर्ड. सो हियर आई हैव टू कैलकुलेट जेड. नाउ व्हाट एल्स इज गिवन? मोलार मास इज गिवन 56 एंड एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, ठीक है? नाउ आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. जमाना z into m upon a cube into n. Now what is z? अपने को कैलकुलेट करना है. मोलार मास कितना है? 56 है. a cube, a cube is how much? 288 into 10^-10 the whole cube into 6.022 into 10^23. एंड अब मैं इसको रीअरेंज कर देती हूँ. z इज इक्वल टू डेंसिटी 7.86 इंटू 288 क्यूब इंटू 10^-30 इंटू 6.022 इंटू 10^23 अपॉन 56, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू? 288 क्यूब मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ पहले. सो आई विल टेक हेल्प ऑफ लॉग. दैट इज हाउ टू कैलकुलेट लॉग. नाउ एंटी लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 288. ओके, नाउ I will calculate log of 288. So 288, three numbers are there. So it will be 2. Now take your log books
लॉग बुक में लॉग का पेज ओपन करो, 28 का 8 कितना होता है चेक करो. सो इट इज कमिंग 4594, बराबर ना? यस ऑल ऑफ यू गेटिंग सेम वैल्यू? ठीक है, अभी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड विथ 3 कितना आ रहा है 7.3782. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एंटी लॉग. सो नाउ टेक एंटी लॉग का टेबल. अभी ये 7 पॉइंट है ना, तो ये 7 पावर में जाएगा इनटू 10^7, और ये पॉइंट 37 का 8 में 2, ये तुम लोग को टेबल में देखना है. पॉइंट 37 का 8 में 2 कितना आता है 2389, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देने का. ठीक है, अब आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर. सो नाउ z इज इक्वल टू 7.86 इनटू ये कितना आया 2 पॉइंट इंटू 10^7 इंटू 10^-30 इंटू 6.022 इंटू 10^23 डिवाइड बाय 56. सो ये पूरा कैंसल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 7.86 इंटू 2.389 इंटू 6.022 अपॉन 56. अगर किसी के कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन डू डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर्स को एंड देन यू डिवाइडेड बाय 56. ओके, और एल्स ये तुम लोग को ऑलरेडी आता है, अदरवाइज यू कैन यूज लॉग, बिकॉज लॉग से आंसर ज्यादा परफेक्ट आते हैं. सो वी यूज लॉग बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जाम जो एक्चुअल वैल्यू रहता है, बोर्ड जो वैल्यू देता है वो ही तुम लोग को आना चाहिए. अदरवाइज तुम्हें जैसे ये क्वेश्चन इफ इट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स तो, और तुम्हारा आंसर सपोज करेक्ट आंसर है 2.89 एंड इफ यू आर गेटिंग 2.7 तो तुम्हें हाफ मार्क्स कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा and you will only get 2.5. So for more accurate calculations, तुम लोग को यहाँ पे accurate calculations होने के लिए you can use log table. So अभी ये log कैसे calculate करना है इसके लिए वो मैं बता देती हूँ, but you have to practice it, otherwise तुम लोग को नहीं आएगा log use करने के लिए. Now what I will do, log of एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 7.86 प्लस लॉग ऑफ मल्टीप्लाई जहां पे होता है उसमें लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो एडिशन हो जाता है प्लस लॉग ऑफ 6.022. माइनस लॉग ऑफ 56. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड लॉग ऑफ ईच टर्म. लॉग ऑफ 7.86, अब पॉइंट के पहले एक ही नंबर है, सो वन नंबर है, इसीलिए 1-1 दैट इज 0, 0 पॉइंट. अभी लॉग के टेबल में तुम लोग 78 में 6 चेकआउट करोगे तो ये आएगा तुम्हें 8954 प्लस लॉग ऑफ 2.389. अभी 2 पॉइंट है ना, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के पहले एक नंबर है, सो 1-1 इज 0, 0 पॉइंट. अभी 23 का 8 में 9 चेक करो कितना आता है, इट इज कमिंग 3789 प्लस 6.022. नाउ 6.022 यानी अगेन पॉइंट के पहले एक नंबर है, सो इट विल बी 0 पॉइंट. 60 का 2 में 2 चेक करो कितना आता है 7797. ओके, माइनस ये कितना है log 56. अभी दो नंबर है इसलिए 2-1 1 पॉइंट log 56 चेक करो कितना होता है 7482. ओके, अब ये पूरा ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो
और मेरे साथ में तुम लोग का आंसर चेक करो कि तुम लोग को करेक्ट आंसर आ रहा है क्या. सो इट इज कमिंग 0.3051. अब इसका एंटी लॉग पॉइंट के पहले जीरो है, इसके लिए ये क्या होगा, इंटू 10 रेस टू 0, एनी थिंग रेस टू 0 इज 1. अभी पॉइंट 30 में 5 में 1, एंटी लॉग के टेबल में चेक करो कितना आता है, इट इज कमिंग 2018. सो मैं एक नंबर के बाद पॉइंट लगाऊंगी, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है, 2.018. सो दिस इज 2. सो नाउ माय जेड इज 2. जेड 2 है, इसके लिए मेरा यूनिट सेल कौन सा है, आई हैव बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल. This is clear, all of you. Now, I'll give you similar questions to do in homework. You can follow these same steps for practicing. Next question. Now, see next question. When gold crystallizes, it form FCC cubic cell. FCC cubic cell बना रहा है. So Z is 4. The unit cell edge length is 408 picometer. Now you can see here, we have to convert it into centimeter क्योंकि density जो रहेगा अपना centimeter में रहेगा. We have to calculate density and molar mass kitna aega, 197 gram per. Okay, so what we'll do, we'll simply use the formula of zamana, z into m upon a cube into substitute karo, this is 4. That is 197, 408 into 10 raised to minus 10, the whole cube, into 6.022 into 10 raised to 23. Okay. Now, मैं क्या करती हूँ? पहले ये solve कर लेती हूँ. 408, the whole cube. So anti log of क्या करेंगे? 3 log ना? 3 log of 408. 3 into log of 408. Now there are 3 numbers, so it will be 2 point. Okay. 2 point 40 ka 8. 6107. So now multiply karo 3 into. So kitna aa raha hai, check karo. It is coming 7.8321. Yes, all of you getting same answer? Okay. Now, iska anti-log calculate karte hai. Point ke pehle 7 hai, isliye into 10 raised to 7 aayega ye. Abhi anti-log mein 0.83 mein 2 mein 1 check karo table mein kitna aa raha hai. So it will come 6794. Ek number ke baad point. So mujhe a cube aa gaya. Okay, this is my a cube. Now, a cube nahi hai, 408 ka cube hai. Now, d is equal to, I'll substitute this value in above formula. So, it will become 6.794 into 10 raised to 7 into 10 raised to minus 30 into 6.022 into 10 raised to 23. So, ye cancel ho gaya. So, ye kitna ho jayega? 4 into 197 divided by 6.794 into 6.02. ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जिसको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, अदरवाइज यू कैन हैव लॉग. एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 197 माइनस log of 6.794 plus log of 6.022. अभी तुम लोग क्या करो, you cross check yourself whether you can solve it or not by referring my previous question. तो अभी ये वीडियो को पॉज कर दो एंड यू कैन क्रॉस चेक
कि मेरा आंसर और तुम्हारे आंसर सेम आ रहा है क्या, ये सॉल्व कर लो अभी, लॉक लॉक करो, फिर एंटी लॉक करो एंड पूरा आंसर कैलकुलेट कर लो डी का, एंड देन यू क्रॉस चेक योर आंसर विद माय आंसर, एंड अगर तुम लोग को कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो यू कैन क्रॉस चेक ना कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है विद माय स्टेप्स. ओके, सो आई विल स्टार्ट नाउ. लॉक फोर यानी 0.40 का लॉक चेक करो कितना आता है, इट इज कमिंग 6021 प्लस लॉग ऑफ 197, सो तीन नंबर है ना, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2 पॉइंट. अभी 19 का 7 देखो कितना आ रहा है, 2945 माइनस, अगेन एक नंबर के बाद पॉइंट है, सो इट विल बी 0 पॉइंट. 67 का 9 में 4 चेक करो, इट विल कम 8257 प्लस इट विल बी 0 पॉइंट. 60 का 2, 2 ये सब वैल्यूज ना लॉक की बाय हार्ट कर लेने की, सो क्या है वापस अपने को बार बार चेक नहीं करना पड़ता है, क्योंकि 6.022 अपने को बार बार उसका लॉक करना ही पड़ेगा, बिकॉज इन एवरी डेंसिटी फॉर्मूला डेंसिटी के न्यूमेरिकल में ये तुम लोग को आने ही वाला है. नाउ इसको एड कर लो एंड देन यू माइनस इट, मैं अभी टोटल आंसर लिख रही हूँ इसका, एंटी लॉग ऑफ पूरा सॉल्व करके. हाँ, इट विल कम 1.2912. चलो अभी ये 1 आया ना पॉइंट के पहले, इसीलिए इंटू 10^1 हो जाएगा. और 0.29 का 1 में 2 फाइंड इट इन एंटी लॉग टेबल, सो इट इज कमिंग 1955. सो मैं एक नंबर के बाद पॉइंट कर देती हूँ यहाँ पे, वो करना ही होता है, इट इज अ स्टेप. सो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 19.55. यूनिट लिखना पड़ेगा ना, डेंसिटी को लाए कैलकुलेट करने के लिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर विथ यूनिट एच लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ iron atom, how many unit cells are there in 2 centimeter cube of iron. So it is undergoing BCC, ठीक है, और edge length कितना दिया हुआ है, 288 picometer, इसको मैं centimeter में convert कर लेती हूँ, 288 into 10^-10 centimeter. What is the radius? We have to calculate radius. A दिया है and R calculate करने बोला है. Okay. And how many unit cells are there? And also you have to calculate number of unit cells. Okay. So just check out here. यहाँ पे हम लोग ने formula किया हुआ है. BCC है. R calculate करना है. A का value दिया है. So we'll use this formula. Okay. R is equal to A root 3 by 4. So A कितना है, 288 into 10^-10 into root 3 is 1.732 upon 4. So calculate करो इसको and you will get final answer as 124. एक मिनट, 124 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर, इसको पिकोमीटर में अगर मुझे लिखना है तो इट विल बी 124 पिकोमीटर, मीन्स 124.56 आता है इसके आगे, 5 भी आता है, ठीक है, सो 5 6 है तो इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 6, 124.6 पिकोमीटर, ठीक है. अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ये हो गया, अब यूनिट सेल्स कितने हैं, सो सिंस दिस इज बीसीसी हम लोग क्या लिखेंगे, वन यूनिट सेल के अंदर, वन यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ना, नाउ सपोज यू हैव वन यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, so atoms are present on corners
in one unit cell, atoms are present on corner and in the center of body. So it is 18 into 8 plus 1, that is 2. So in one unit cell, you have two atoms. In your question, what is given? वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा? एक यूनिट सेल के अंदर टू एटम्स है और उसका वॉल्यूम कितना है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इट? टेल मी, इट विल बी ए क्यूब. तो अगर मेरा वॉल्यूम है 2 cm³, तो उसके लिए कितने यूनिट सेल्स रहेंगे? सो व्हाट आई विल डू, 2 / a³. सो 2/a³ कितना है? 288 into 10 raised to minus 10. Now cube, it will become 2/288³ into 10 raised to minus 30. So this will become. अभी है ना, तुम लोग क्या करो? For your practice, you calculate 288 का क्यूब by log. Okay, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी 288 का क्यूब कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेती हूँ एंड तुम लोग सॉल्व करोगे एंड यू जस्ट क्रॉस चेक कि तुम लोग को आ रहा है क्या लॉग से करने के लिए. एंड नहीं आ रहा है अगर करेक्ट आंसर, तो यू कैन क्रॉस चेक माई स्टेप्स कि कहाँ पे तुम लोग का गलत हो रहा है. ठीक है, सो ये कितना आएगा? 2.389 × 10⁻⁷ × 10⁻⁷ सो ये हो जाएगा. अब मैं 2 को डिवाइड करूंगी 2.89 से, सो इट विल कम 0.8371 × 10⁻²³. ये माइनस 23 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 23 हो जाएगा. ओके, नाउ मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर देती हूँ, 8.371 × 10⁻²² यूनिट सेल्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस तुम लोग को होमवर्क में देने वाली हूँ मैं इन लास्ट स्लाइड. नाउ जस्ट चेक आउट हियर, क्वेश्चन क्या दिया है? नियोबियम फॉर्म बीसीसी स्ट्रक्चर. The density of niobium is 8.55 and length of unit cell edge is 330.6 picometer. How many atoms and unit cells are present in 0.5 grams of niobium? ठीक है, so BCC structure है, तो Z2 रहेगा. Density दिया है, कितना दिया है? 8.55 gram per centimeter cube. Edge length A कितना है? 330.6 पिकोमीटर. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूं, हाउ मेनी एटम्स मीन्स इन लोग ने यहाँ पे अपने को क्या पूछा है, कितने एटम्स है यहाँ पे, दे आर आस्किंग यू इज एन. ओके, जेड इज 2, स्मॉल एम इज गिवन. यहाँ पे मोलार मास नहीं दिया, ऑल ऑफ यू जस्ट पे अटेंशन, स्मॉल कॉन्सेप्ट हियर. नाउ वी यूजुअली यूज दिस फॉर्मूला, जेड इनटू एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन ए. ठीक है, सो नाउ दिस इज मोलार मास, दिस इज एवोगैड्रो नंबर. वन व्हेन यू हैव वन मोल, इट्स मास इज इक्वल टू मोलार मास, एंड इन वन मोल यू हैव 6.022 × 10⁻²³ यूनिट सेल्स. ठीक है, सो इसीलिए एम इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 6.022 × 10⁻². बट नाउ हियर ऑर्डिनरी मास इज गिवन, तो इसके एटम्स भी ऑर्डिनरी होंगे, मीन्स इट वोंट बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, बट फॉर्मूला विल बी सेम. फॉर्मूला सेम रहेगा, डी इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम आएगा यहाँ पे, ए क्यूब इंटू एन. मीन्स जब भी मोलार मास रहेगा तभी यू विल हैव 6.022 × 10⁻²³ यूनिट सेल्स. बट इफ इट इज नॉट मोलार मास, देन व्हाट अबाउट इट? क्या यूनिट सेल्स नहीं रहेंगे क्या? तभी रहेंगे ना यूनिट सेल्स, बट इट वोंट बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? सो नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट एन, तो वी यूज दिस फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन.
So n will become how much? Z into m upon a cube into d. Now what is z 2? 0.5. A cube. टेंसिटी दिया है ना, कितना दिया है 8.55. तो अभी चलो सॉल्व करते हैं. सो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ. 330.6 डी होल क्यूब, दैट इज एंटी लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 3. लॉक करो कैलकुलेट पॉइंट के पहले, दिस इज द पॉइंट के पहले 3 नंबर है, सो इट विल बी 2. 33 का 0 में 6 कैलकुलेट करो लॉक टेबल में, इट विल बी 5185. बराबर ना? नाउ विल यू मल्टीप्लाइड विथ 3, कितना आता है आंसर? 7.5555. So this will become into 10^7. Anti-log करना है अभी अपने को, तो ये 10^7 और इसका anti-log देखो टेबल में. 0.55 का 5 में 5 कितना आता है? 3594, एक नंबर के बाद पॉइंट. सो मेरा वैल्यू कितना आया? इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ. चलो 2 × 0.5 / 3.594 × 10^7 × 10^30 × 8.55. ठीक है, ये हो जाएगा 1 3.594 × 8.55 × 10^-23. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट डू इट, डू दिस कैलकुलेशन. मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ इंटू 10^23. इसको मल्टीप्लाई करो एंड देन यू डिवाइड इट, और यू कैन यूज लॉग ऑल्सो. नाउ आई हैव ऑलरेडी टॉट यू हाउ टू राइट. सो इसका आंसर आता है 0.0325 × 10^23. इसको मैं पॉइंट शिफ्ट कर देती हूँ, 3.25 × 10^21 एटम्स. ओके, सो एटम्स हो गया कैलकुलेशन एटम्स का. अभी हम लोग यूनिट सेल्स का कैलकुलेशन करते हैं. इट इज बीसीसी, मींस इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल यू विल हैव 2 एटम्स, है ना. सो अभी तुम्हारे पास में कितने एटम्स है? 3.25 × 10^21 एटम्स आर देयर. सो उसके लिए कितना यूनिट सेल? 1.62 × 10^21 unit cells. Yes, all of you. Next, now you can see here, it's your homework. Now I have solved 4 different types of questions. Okay, now you will solve this 4 types of question plus you will solve these questions. This is question 1, 2, and 3. Ye homework hai. Iske alawa from textbook you will solve all similar types of question. Textbook ke sare solved questions karoge tum log, उसके नंबर्स में देती हूँ. एंड ऑल्सो यू विल सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, सो अनसॉल्व क्वेश्चन दैट इज ऑन पेज नंबर 27 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 3 का, हाँ क्वेश्चन 3 का 9 सॉल्व करोगे. देन सेम पेज नंबर पे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9,
एंड क्वेश्चन 10. ओके, अभी सॉल्व वाले कौन से करने हैं? अभी सॉल्व में कैसा है, यू डोंट फॉलो देयर मेथड. मैंने जो तुम लोग को यहाँ पे मेथड सिखाया है, दैट इज द इजिएस्ट वे. उन लोग का मेथड जो यहाँ पे है दैट इज लिटिल डिफरेंट. सो आई वॉन्ट होमवर्क टू बी डन इन माई वे. So you will solve question 1.3, 1.5. Okay, so total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions are there in your homework. Okay, all of you. So I hope all of you will do homework and come. No one will be the homework defaulters. Okay. And इसके आगे का हम लोग next video lecture में continue कर रहे हैं. So meet you after some in next lecture. Till then, bye bye. Take care.